हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ कविता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मैंने मीशो से कुछ टॉप परचेज किए हैं। मैं काफ़ी सारे टॉप्स देखी थी मीशो पे, बट मैंने कहा एक बार चेक तो किया जाए कि एक्चुअल में ये जैसे मंगाते हैं वैसे ही आते हैं एक्चुअल क्वालिटी या नहीं आते हैं। सो मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं, अभी मतलब उतना प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाया मीशो के साथ। सो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ और आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था और मेरे को क्या रिजल्ट मिला है। सो मीशो का हॉल चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक टॉप। तो ये है मेरा ब्लैक कलर का एक टॉप है, लुक एट दिस। तो इसका फ्रंट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, एकदम बिल्कुल फॉर्मल लुक की तरह है। आप इसको फॉर्मल वेयर कर सकते हैं और क्लोथ की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छी है। और पैटर्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, मतलब कि काफ़ी क्लासिक टाइप है। और ये ओनली ऑन मुझे मिला है 265 रुपीज़ का। तो अभी चलिए जल्दी से मैं इसको ट्राई करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे पे कैसे लग रहे हैं। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। सो गाइस, कैसा लग रहा है ये टॉप? मैंने इसको ब्लैक कलर की जीन्स के साथ वेयर किया है। ये ब्लैक वाइट लाइक जीन्स है, लुक एट दिस। सो ऐसा लुक है इस टॉप का, कितना प्रिटी लग रहा है ना। मतलब मुझे, मैंने देखा भी मिरर में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब मैं इसको रखने वाली हूँ इस टॉप को। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मतलब वैसे ही नहीं बोल रही हूँ, वीडियो के लिए नहीं बोल रही, बट रियल में बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और मतलब मेरी मम्मी को वैसी चीज़ें कोई पसंद नहीं आती है, मेरी मम्मी को भी ये टॉप पसंद आया, तो समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये अच्छा होगा। बाकी के लिए तो अप्रूवल इतना नहीं दिया, बट इसके लिए दिया कि हाँ अच्छा है, इसे रख लेना, इसे रिटर्न। अगर इस टॉप की नंबरिंग की बात की जाए तो इसको हम दे सकते हैं 5 पॉइंट इसके इसलिए काटे हैं कि एक टॉप मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा है 5.5 के लिए, ना इसलिए इसको दिया है मैंने 4.5। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट टॉप है ये पिंकी। देखो कितना क्यूट कलर है, इतना प्रिटी सा कलर है, एकदम बाबी वाला, आई एम द बाबी गर्ल वाला। बट एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन टॉप्स को रखूँगी, बट अब मेरा रिटर्न करने का मन नहीं है। ये टॉप मैंने लिया है आपका, देखो मुझे याद तो नहीं है एक्चुअली, मतलब ऐसे 235 ऐसे कुछ का है। तो ये टॉप लिया मैंने 249 रुपीज़ का, मतलब काफ़ी अच्छा है ये भी। ऐसे मैंने पहले मतलब जिसके जिनके रिव्यू देखे थे वो लोगों ने बोला था कि करके मतलब क्या बोलते हैं टॉप ट्रांसपेरेंट है, ये है वो है, बट नहीं है ट्रांसपेरेंट। देखो इसके अंदर से एक ऑलरेडी एक नेट है मतलब प्रॉपर, और फिर उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट वाला है। तो ये जब ये है ही तो फिर क्या ट्रांसपेरेंट होगा, बस हाथों से ट्रांसपेरेंट है तो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता, स्लिप कट भी तो आप पहनते हैं। तो चलिए इसको चेंज करके आते हैं। सो आई एम विद दिस क्यूट क्यूट टॉप। और इसके हाथ पे देखो कितनी प्रिटी प्रिटी है, प्रिटी 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 प्रिटी। अच्छा अभी थोड़ा सा छोटा है, बट इट्स ओके। सो इसका भी बहुत प्रिटी सा कलर है और ओनली ऑन 249 रुपीज़। सो ये टॉप भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। सो इस टॉप को मैं मार्क्स देना चाहूँगी 5/4। मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बट इसको भी मतलब ऐसे 4 या 4.5 भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। मतलब ऐसे इसको भी बहुत अच्छा लगा है, ऐसा कोई नहीं है। देखो कितने प्यारे हैं, वाओ। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है ये एक पिंक कलर का सूट। ओके, सो ये सूट है पिंक कलर का,
ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, वेट। Hey guys, so next purchase is मेरी देसी कुर्ती, तो ये है देसी गुलाबी पटक्का कुर्ती, तो ये है पिंक कलर की कुर्ती, तो ये मैंने ली है आपकी रिसोर्सेज 355 रुपीज़ है इसका रेंज, तो इसमें आपका आया है कुर्ती आई है, मैंने उसके साथ पिंक कलर की पैंट आई है, मैं दिखाती हूँ, मतलब उसी के नीचे की पैंट है, मैं इसको शो कर दी, तो ये देखिए प्रिटी सी पैंट है, इसमें सिल्वर कलर की सिर्फ बॉर्डर हुआ है एंड इधर एक जेब भी है आपके पास फोन रखने के लिए, पॉकेट है एंड बहुत ही सारा कपड़ा दिया है उन्होंने, तो मतलब काफ़ी अच्छी कुर्ती है, इसमें बॉर्डरिंग हुई है सिल्वर कलर की लेस से, तो उसके बाद और भी ज़्यादा पक्की कर दी है एंड कपड़ा भी बहुत सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है, मतलब तो जो कलर मैंने मंगाया है वही कलर एक्चुअली में आया है एंड मतलब ओवरऑल 355 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम नॉर्मली अगर पैंट वाली सलवार सिलवाने के अपने आसपास जाते हैं तो हमारे यहाँ के प्राइस जो है 300 और समथिंग 300 के आसपास के हैं, तो अगर उस तरीके से देखूँ तो ये काफ़ी अच्छी परचेज रही है अगर आप चाहो, ठीक है, बट मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि स्ट्रिप वाली आ गई है, मतलब देखा तो था मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने देखा है स्ट्रिप वाली, तो मुझे लगा कि मुझे अच्छी लगेगी बट अभी मुझे थोड़ा सा डिसकम्फर्ट सा हो रहा है, बट अभी मैं साइड नहीं करवाई तो इसको रखती है नहीं रखती, देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी होगा बस, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एस साइज मंगाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा लूज है, तो इसको मैं अगर मैं जब रखने की सोची रहूँगी तो फिर मैं इसको हल्का सा फिट करा ही लूँगी, तो दैट्स ऑल, बस मुझे ये प्रॉब्लम होगी, बाकी तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, सो अगर आप लेना चाहते हैं तो थम्स अप दें, इसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर भी प्रॉपर जो दिखाया है वही आ रहा है, सो बट मैं देखती हूँ अगर मैं रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ, नेक्स्ट टॉप है हमारा ये ट्यूनिक टॉप है, तो चलिए मैं इसको पहन के आती हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस ट्यूनिक टॉप, सो नेक्स्ट टॉप है ये, मतलब ये इस टॉप का मुझे कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक है घर पे पहनने के लिए अच्छा है गर्मी के टाइम पे, या मतलब इसे अगर आप मतलब अगर आप मार्केट पे पहनना चाहोगे तो अच्छा है, वो लूज लूज सा काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब इसे अगर आपको पहनना है, मतलब अगर आप घर पे पहनने के लिए गर्मी के टाइम के लिए कुछ चाहते हो तो फिर उसके लिए तो कंफर्टेबल है, बट कलर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको मंगाना है तो डार्क कलर्स में लेना, तो मैं इसको रिटर्न करने की सोच रही हूँ कि ये 200 रुपीज़ का है, बट अगर जब मुझे 249 में ऐसे और मतलब वैसे टॉप मिल रहे हैं तो मैं 200 में क्यों वेस्ट करूँ, मतलब मैं 50-70 रुपीज़ लेके ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉप ले लूँगी, सो अकॉर्डिंग टू दिस टॉप्स एंड दिस टॉप्स ये टॉप मुझे उतना मतलब वो हाई लेवल नहीं लगा, सो इस टॉप को मैं देना चाहूँगी 3 अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया, एक्चुअली अगर इसका कलर शायद पर्पल होता तो क्या पता थोड़ा मतलब कलर की वजह से मैं उसे रख लेती, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ, बट हाँ क्वालिटी वगैरह ऑल इज़ गुड, क्वालिटी इसकी अच्छी है और ऐसे कंफर्ट मतलब ऐसे जैसे घर पे पहनने के लिए, मैं तो मतलब ठीक है पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पहनती हूँ, बट अगर उसका कलर थोड़ा अच्छा होता तो मैं रख लेती इसको, और मुझे ये वाला कलर तो अच्छा नहीं लगा, अगर शायद मैं इसका पर्पल मंगाऊँ तो अलग बात है, तो इसको मैं देना चाहूँगी 5 out of 3 marks। नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट टॉप की तरफ, तो मेरा लास्ट टॉप है दिस, लुक एट दिस, कितना प्यारा कलर है, इस कलर को देख के ना मेरा मन मूव गया, इतना प्यारा कलर है, इतना प्यारा कलर है, इतना प्यारा कलर है, बस मेरे बेस्ट टॉप मुझे लगे हैं एक ये और एक वो ब्लैक वाला, ये दोनों टॉप के लिए तो मेरी जान हार गई है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ उसको पहन के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है, चलिए चलते हैं इसे पहनने के बाद। सो गाइस लुक एट दिस, ओह कितना प्यारा टॉप है यार, प्यारा लग रहा है ना, बस कर्टन और मैं मैच कर रहे हैं ना, आई थिंक नॉट बैड,
सो इतना प्यारा लग रहा है, इतना मतलब अच्छा कपड़ा है इसका, मतलब ऐसे वो वाला पतले वाले कपड़े नहीं होते हैं जो, वैसे तो अब सर्दी आने वाली है, बट ठीक है, दो तीन चीज़ों के लिए काम आएगा। और क्या बोलते हैं, इतना प्यारा टॉप है, इतना प्यारा लुक ना, मतलब यार इतनी, इसका रेट है आपका, नहीं ये मेरा, मैंने लास्ट लिया था 235, सो ये मैंने परचेज किया है 235 रुपीज़ का। और क्या बोलते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर तो इतना मस्त है कि मैं क्या ही बताऊँ, और ओवरऑल मुझे बहुत 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 पसंद आया है। मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो ये तीन टॉप तो मैं रिकमेंड करूँगी कि मतलब आंखें बंद करो और ऐसे कट कट परचेज कर दो, बस ऐसा वाला है। सो अभी देखो इतना प्यारा लग रहा है ना टॉप, इस शॉप को मैं देना चाहती हूँ 5 आउट ऑफ़ 5। मतलब कलर कलर तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये कलर मतलब मैं एक ये टॉप रखने वाली हूँ, एक ये वाला टॉप रखने वाली हूँ, और एक मुझे ब्लैक वाला वो रखने वाली हूँ। तो ये तो मतलब मैं रखने ही वाली हूँ, बाकी वो पीच कलर वाला मैं थोड़ा शायद रिटर्न कर दूंगी। एंड वो सूट का हाफ हाफ चल रहा है, मतलब उसको मैं शायद रख भी सकती हूँ, शायद रिटर्न भी जा सकती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मतलब टॉप वगैरह अच्छे आए लगे होंगे, बिकॉज मेरे को तो बहुत अच्छे लगे हैं। अब मैं परचेज आगे बढ़ाने वाली हूँ मीशो में, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आगे नहीं परचेज करूँगी, और अच्छी क्वालिटी में और कम रेट में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो क्या शर्माना, मतलब अगर कोई चीज़ मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ग्रैब इट। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि आप मीशो को ट्राई करो ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मैंने भी एक ध्यान नहीं दिया था, मतलब मैं जिस चीज़ की मैंने जो गलती करने वाली थी वो चीज़, बिकॉज हम कोई भी सामान जब मीशो में परचेज करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक में लिखा होता है 3, मतलब जैसे मान लो ये टॉप है 235 का, तो एक में लिखा होगा 235 और सेकेंड में लिखा होगा 209, या मतलब ऐसे 10-20 रुपये कम करके वहाँ पर लिखा होगा। तो एक जो 235 वाला होगा उसमें सारा रिटर्न कर सकते हो आप, चाहे पसंद आए, मतलब कुछ भी चीज़ आप ऑल ओवर रिटर्न कर सकते हो टॉप को। और अगर जो वो 209 है, मतलब जो 10-20 रुपये कम होगा, उसमें आप सिर्फ डिफेक्टिव पीस ही रिटर्न कर सकते हो। तो ये नहीं कि आप 10-20 रुपये के चक्कर में आप उस सामान को मंगा ले रहे हो, फिर उसके बाद रिटर्न नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद मीशो को बोल रहे हो कि यार मीशो में चीज़ें रिटर्न नहीं होती है, जो भी है मतलब A to Z जो भी प्रोसेस है। तो आप पहले ही मतलब जब आप परचेस करें तो आँख खोल के परचेस करें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और ना आप दोष दें, मतलब ऐसा ना हो ना कि आपने शुरू में ध्यान ना किया हो। सो दैट्स ऑल, मैं इन सभी टॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।